क्या हुआ? डर रहा है बच्चा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम पहुंच चुके हैं केल, आज़ाद कश्मीर में। रात हमने केल में गुजारी और रात काफ़ी प्लेजेंट रही। सुबह उठे तो आसमानों को छूते पहाड़, कमरे से व्यू काबिले दीद था, और जब दरवाज़ा खोला तो आप देख सकते हैं कि हर तरफ सब्ज़ा आपको ख्वाबों की नगर में ले जाता है। और ये हैं केल और इसकी खूबसूरती। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हमने तैयारी शुरू कर दी अड़ंगकेल जाने की, और हम अड़ंगकेल की तरफ निकलने लगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कश्मीर। इस वक्त मैं कश्मीर में मौजूद हूँ और केल इलाका है। अभी अड़ंगकेल की तरफ जा रहे हैं और मौजूद हूँ मैं आर्मी ब्रिगेड 32 में। और रात बड़ी प्लीजेंट रही और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, और इंशाल्लाह अभी सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो स्टे विद अस। सफ़ेद बर्फ़ की पहाड़ी और ख़ूबसूरत मनाजिर, ये है कश्मीर, और ये है पाकिस्तान की खूबसूरती यानी कश्मीर। आर्मी ब्रिगेड से हम निकल चुके हैं और हमने इधर गाड़ी पार्क कर दी और पैदल अपना सफ़र शुरू करने लगे हैं अड़ंगकेल की जानिब। तकरीबन 10 मिनट आपको लगेंगे। जब पहुंचे तो लाइनें लगी हुई थी डोली के लिए, क्योंकि आप अड़ंगकेल की तरफ जाते हैं तो आप डोली में सफ़र करते हैं। आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन आप टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, और डोली में बैठ के नज़ारे काबिले दीद होते हैं। डर रहा है बच्चा? नज़र उठाकर आप जहाँ भी देखते हैं, कुदरत का एक एक जलवा आपको हैरत में डाल लेता है। दुनिया में जन्नत कश्मीर, और कश्मीर में जन्नत अड़ंगकेल है। डोली में सफ़र करने के बाद आपका एक नया इम्तिहान शुरू हो जाता है, और वो है आके आप हाइकिंग करते हैं 15 मिनट। जी भाईजान, लोगों के बारे में, रास्ते के बारे में, खूबसूरती के बारे में, और इस इलाके के बारे में हमें कुछ बताएं। बहुत बुरा हाल है ऊपर चढ़ते हुए, और खूबसूरती इंतहा की है। जन्नत का दूसरा नाम, जन्नत का दूसरा नाम है कश्मीर। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद पहुंचेंगे, थकावट उतर की तरफ हम रवाना है। बस केल बाजार से लेफ्ट तक 10 मिनट का रास्ता है, और फिर लेफ्ट में जब आप दूसरी दरिया के पार करेंगे तो आपको आधा घंटा हाइकिंग पे अड़ंगकेल में आप पहुंच जाएंगे। काफ़ी फैमिलीज भी केल की से अड़ंगकेल की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर मौसम ख़राब है तो आप फिर ना जाएं स्पेशली फैमिली के साथ। 15 मिनट की मुसाफत के बाद जब आप हाइकिंग करते हैं तो आपकी थकान दूर हो जाती है, क्योंकि आप पहुंच जाते हैं अड़ंगकेल। और तो अगर खूबसूरती को आप कोई दूसरा नाम दे दें तो उसका नाम है कश्मीर, और ये है हमारा कश्मीर। अड़ंगकेल पहुँच कर निगाहों की तलाश रुक जाती है, ताहत निगाह कुदरत की फयाजियाँ बिखरी दिखाई देती है। अड़ंगकेल का खूबसूरत गांव इंतहाई मुनफरिद नज़ारा पेश करती है। ये खूबसूरत गांव सरसब्ज मैदान की सूरत नज़र आता है, चारों तरफ घना जंगल, जबकि खूबसूरत बर्फीले पहाड़ इस गांव की खूबसूरती को दुबाला करती है। अड़ंगकेल वादी नीलम का वो खूबसूरत गांव है जहां आज भी फितरत अपनी असल रंग और रूप में मौजूद है। अड़ंगकेल का मैदान इतना वसी है कि आप 2 से 3 घंटे इसमें वॉक कर सकते हैं। आप होटलों से दूर जाकर खामोशी के शोर को महसूस कर सकते हैं, जो कि इंसान की इनर पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। अड़ंगकेल सतह समंदर से 8,400 फुट के फासले पर है।
आंखें मजनू हूँ तो चाय भी लैला लगती है। वापसी का इरादा किया और लिफ्ट पर पहुँचे, जब देखा तो किलोमीटर लाइनें लगी हुई थी। मेरी डिप्टी कमिश्नर केल से ऑनरेबल रिक्वेस्ट है कि इनका कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि सियाह घंटों ख्वार ना हो। स्पेशली फैमिलीज़ के लिए एक अलग लाइन होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा सफ़र ना कर सके। उम्मीद है कि आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अगले वीलॉग तक हमें दीजिएगा इजाज़त। दलुई अल्लाह पामान।